कहीं ना कहीं स्कूल की एज से अगर हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स लेना, तो बच्चों की 15, 16, 17 में आते आते कहीं ना कहीं पढ़ाई में फोकस नहीं हो पाता है, या उनको कहीं ना कहीं क्लास में टॉप करना है। भगवद गीता में ऐसी क्या बातें लिखी है जिनको अगर हम अच्छे से अप्लाई करें अलॉन्ग विद पढ़ाई, तो हम सच में टॉपर बन सकते हैं? भगवद गीता में पहले तो कर्म के ऊपर आता है कि तू कर्म कर, फल की इच्छा नहीं कर, वो मैंने तुझे देना है कब देना है। किसी स्टूडेंट ने ऐसे बोला था एक बार, अच्छे मार्क्स नहीं आए, अरे भगवान तेरे पास इतनी किस्मतें हैं, थोड़ी पास कर देता तो क्या था, तो ऊपर से आकाशवाणी हुई, तेरे को इतनी किताबें दी थी तू पढ़ लेता तो क्या होता। देन अनदर आई फील इट इज मोर ऑन द एनवायरनमेंट व्हिच पेरेंट्स हैव टू गिव द चाइल्ड। तो वो जो एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं, जो स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट एक बच्चे को चाहिए ताकि वो फोकस कर पाए सिर्फ अपनी पढ़ाई पे, क्योंकि 15-16 साल में आप हम सब जानते हैं कि बच्चों का माइंड जो है सबसे पहले भटकना शुरू होता है। तो क्या वो बच्चे ऐसी चीजें अलॉन्ग विद पढ़ाई करें, चाहे फिर वो आप उनके सुबह उठने से लेके या पूरा प्रोसेस से लेके जो भी आप बताना चाहें बच्चों के लिए? मेन ट्राई करें बाय 10 o'clock दे शुड स्लीप। 10 to 2 इज अ टाइम पीरियड कोई है जिसके कारण हमारी बॉडी में थोड़ा सिस्टम काम करना शुरू कर देता है, हमारा लीवर वगैरह भी ठीक होता है। 6 बजे तक भी उठ जाएं, 5 बजे तक भी उठ जाएं, सूर्य से पहले उठ जाएं जो हमारे शास्त्रों में लिखा है। बस उसके बाद थोड़ा सा 2 मिनट अपने अपने से कनेक्ट योर सेल्फ विद गॉड, जस्ट 2 मिनट्स यू कनेक्ट विद गॉड। And when you are connecting with God, ask God कि मेरे को मार्गदर्शन चाहिए, and then tell God, tell universe कि I want you that you should make me to feel that you are there with me. Right. उस समय आप देखो somewhere some fragrance you'll feel around. If really भगवान ने आपकी बात सुन ली है and is feeling कि मेरा बच्चा मुझे बोल रहा है, इधर you will feel so good inside and the so positive feeling आना शुरू हो जाएगी। That is the लक्षण हमारे अंदर परमात्मा प्रकट हुआ है। कुछ एक ऐसी बातें या फिर कुछ ऐसे श्लोक, मंत्रास, स्विच वर्ड जो आजकल थोड़े फेमस हो रहे हैं, जो भगवद गीता में सीक्रेट्स बताए गए हों कि आप इन मंत्रों का या इन चीज़ों का उच्चारण साथ में करें तो आपका पढ़ाई में मन ज़्यादा लगेगा या ध्यान कम भटकेगा? जैसे हमारा सरस्वती मंत्र तो है ही है, ओम ऐं सरस्वते नमः। फिर और दूसरे मंत्र जैसे हमारे गणपति जी के मंत्र हैं, ओम गण गणपते नमः, ओम नमः शिवाय। जस्ट लिटिल, यू डोंट डू 108 टाइम, डू 11 टाइम, 21 टाइम एंड यू आर गोइंग फॉर एग्जाम, यू आर गोइंग फॉर दिस शुभ लाभ। घर से निकलो शुभ लाभ, मीन्स लाभ ही लाभ होना है और शुभता शुभता तुम्हारी जिंदगी में आनी है। शुरुआत करोगे, मैंने कितने बच्चों को ऐसा बनाया है जो बिल्कुल स्पॉइल हो चुके थे। मदर्स ने उनको गर्लफ्रेंड के साथ कोई दुपट्टा देख लिया, कुछ कर लिया, वो रोती थी। आज उन बच्चों को देखो, एंटायरली डिफरेंट, दे आर एंटायरली डिफरेंट। अभी छोटे हैं, 18-20 साल के होंगे, दे आर रिस्पॉन्सिबल, अपने फादर का बिजनेस उसके साथ चलते हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, टॉपर आ रहे हैं एंड दे डिड दिस।